वेलकम बैक गाइस, अभी हम लोग है दादर स्टेशन पे और यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे लालबाग के दर्शन के लिए। अभी हम लोग उतरे बाइकला स्टेशन पे, ये फास्ट लोकल था और चिंच पोकली और करी रोड पे रुका नहीं। अभी यहाँ से अभी हम लोग वॉकिंग जाएंगे। आप गर्दी देख सकते हो, कितनी सारी गर्दी है लालबाग के लिए, और यही गर्दी गणपति फेस्टिवल में ही देखने मिलती है, वो भी ये टाइम पे। सो लेट्स गो। बाइकला स्टेशन से लेफ्ट लेते ही अपन को ये जो रोड है वो लालबाग के लिए जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइकला का व्यू भी है, और यहाँ से ही आगे लालबाग के लिए रोड है जो कि सब लोग जा रहे हैं यहाँ से। तो चलिए अपन भी चलते हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं चिंतामणि के मेन गेट पे। आप देख सकते हो कितना रश है, और ये गेट बहुत गर्दी है गाइस, बहुत गर्दी है। हम लोग सेकेंड डे पे ही गए थे, अब गर्दी देख सकते हो, और ये लाइट्स बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे दो लाइन है, एक रूप दर्शन है और एक चरण स्पर्श है। तो अभी हम लोग चरण स्पर्श की लाइन में, गर्दी आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा गर्दी है, पीछे तक अभी गर्दी है। अभी हम लोग वहाँ से लेके अभी यहाँ पे पहुँचे मेन गेट से, और गर्दी बढ़ती ही जा रही है। ये जो आप LED स्क्रीन देख रहे हो वो उसके पीछे ही मेन चिंतामणि का स्थापना है। बहुत गर्दी है गाइस, सेकंड है और ये इतना सारा गर्दी हो गई है इधर। ये अपने प्यारे चिंतामणि। तो ऑल राइट, अभी चिंतामणि का दर्शन हो चुका है। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे लालबाग के लिए। फिलिप्स की तरफ से इन्होंने बहुत बड़ा मोदक बनाया है, यहाँ पे इन लोगों ने रखा है, और ये लालबाग के राज्य का मेन गेट बहुत ही यूज है और ब्यूटीफुल बना है। बैरिकेड से आगे जाएंगे राइट की तरफ, तो वहाँ पे कुछ लड़के लोग खड़े मंडल के ही, तो वहाँ पे एक रस्सी लेके खड़े रहते हैं, तो वहाँ से आप उनको रिक्वेस्ट करोगे, थोड़ा टाइम लेते बट वो छोड़ देते नीचे से रस्सी के, तो आप डायरेक्टली जा सकते हो। हम लोग ने भी वैसे ही किया था, हम लोग प्रॉपर लाइन में नहीं लगे थे, हम लोग ने डायरेक्ट मूर्ख दर्शन के लिए उधर उनको रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने हम लोग को छोड़ दिया। तो अभी हम लोग वहाँ से आगे जा रहे हैं, अब देख सकते हैं सब लोग भाग रहे हैं, और मेन ये मुख दर्शन का लाइन है जो कि बहुत टाइम लगता है जिसमें, और अभी हम लोग को तो अच्छा एक चांस दिया गणपति जी ने कि हम लोग को डायरेक्ट एंट्री मिल गई। ये मेन एंट्री है मुख दर्शन के लिए, आगे गेट है, वो गेट से आगे क्रॉस हो के जाना है, फिर मेन लालबाग के राजा का दर्शन होगा। बीच में बारिश आ गई तो सब लोग ने इतना छाता खोल लिया, और आप देख सकते हो ये लाइटिंग लालबाग के राजा की मेन एंट्री में, और सबसे मेन स्पेशल बात है जय
ऑलमोस्ट 3:30-4 बज रहे थे और धीरेन्द्र शास्त्री जी का यहाँ पे एंट्री हुआ था लालबाग के राजा के दर्शन के लिए। हम लोग के भी दर्शन हो गए उनके और आप ये देख सकते हो लालबाग का राजा बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन किया है और एकदम माहौल एकदम पवित्र हो गया है। बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा लगे हुए 24 आवर्स लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे मिल जाता है आपको लालबाग के राजा का। और ये डेकोरेशन हम लोग ने ज़्यादा शूट नहीं किया पास जाने के बाद में एन हम लोग को दर्शन करना था। हम लोग ने दर्शन किए अच्छे से और अच्छे से हम लोग का दर्शन भी हो गया और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना और गणपति बप्पा बोल के एक लाइक का बटन दबा देना। थैंक यू।